गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्य नारायण है फ्रॉम ट्रिबल क्लासेस और आज हम पढ़ेंगे दी कंजर्वेटिज्म और रिवोल्यूशनरीज के बारे में। ठीक है, पहले हम पढ़े थे फ्रेंच रिवोल्यूशन का, आपको याद है फ्रेंच रिवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आया था हमारा सिविल कोड ऑफ 1804 जो कि नेपोलियन कोड था। ठीक है, चलो उसके बाद मेकिंग ऑफ मतलब लिबरल नेशनलिज्म पढ़े थे, एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास। लिबरल नेशनलिज्म क्या था, रिकॉल है सबको, याद है। चलो आज हम पढ़ेंगे द न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815। ठीक है, न्यू कंजर्वेटिव्स कौन, देखो न्यू कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स मतलब कौन थे, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भरोसा रखते थे, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर भरोसा रखते थे और वो पुराने ख्यालात के, जो भी मोनार्ची हो या फिर मान लो चर्च हो, सोशल हायरार्कीज हो, जो प्रिविलेजेस हो, उन सब पे बिलीव करते थे, उनको क्या बोला जाता था, ना सिर्फ कंजर्वेटिव बोला जाता था। ठीक है, और कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव आईजम लग जाए, इज्म लग जाएगा, देखो सोशलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म, लिबरलिज्म आइडिया होता है, आइडियोलॉजी होता है, आईएसएम लग जाता है तो आइडियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कंजर्वेटिव एक आइडियोलॉजी है। ठीक है, कंजर्वेटिव एक आइडियोलॉजी है। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व, क्या चाहता था, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन था जैसे कि हमारा मोनार्ची था, चर्च था, क्लर्जी था, सोशल हायरार्कीज थे, ठीक है, उन सबको प्रिजर्व करना चाहता था। ठीक है, उनको बोला जाता था कंजर्वेटिव जो थे वो अलग। आफ्टर 1815 जो कंजर्वेटिव आए वो थोड़े अलग थे, वो थोड़े न्यू थे, इसलिए बोला गया न्यू कंजर्वेटिव। कैसे न्यू थे ना, देखो न्यू याद है, न्यू कैसे बोला गया उनको, क्योंकि वो पुराने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ जो मॉडर्न प्रिंसिपल्स था उसको भी बनाए रखना चाहते थे, समझ में, जो कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को बहुत ही मजबूत बनाता है। ठीक है, इसलिए वो मॉडर्नाइजेशन को भी अपनाना चाहते थे, समझ में, इसलिए उनको बोला गया न्यू कंजर्वेटिज्म। ठीक है, इसलिए उनको बोला गया न्यू कंजर्वेटिज्म। हु वेर कंजर्वेटिव्स, ना ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व्ड, जैसे कि मोनार्ची, चर्च और सोशल हायरार्कीज। ठीक है, मोनार्ची, चर्च और सोशल हायरार्कीज, उसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्न प्रिंसिपल्स कैन स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। वो क्या चाहते थे, जो मॉडर्न सोसाइटी था या फिर जो मॉडर्न प्रिंसिपल्स था, ठीक है, जो हमारा नेपोलियन बोनापार्ट लाया था या फिर जो उसे वो बचाए रखना चाहते थे। क्यों बचाए रखना चाहते थे, क्योंकि वो ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशन था उसको बहुत ही मजबूत बनाता था, समझ में, बहुत ही मजबूत बनाता था, इसलिए उनको न्यू कंजर्वेटिज्म कहा गया, न्यू कंजर्वेटिव कहा गया। याद होगा आपको लिबरल, ठीक है, लिबरल, कंजर्वेटिव, रेडिकल्स, ये सब याद होगा। लिबरलिज्म मतलब जो फ्री के बारे में सोचते हैं, कंजर्वेटिव जो पुराने ख्याल के थे, और रेडिकल जो थे वो बहुत ही एग्रेसिव थे, समझ में, जो रेडिकल्स थे बहुत ही गुस्से वाले, एग्रेसिव थे। ठीक है, अब देखो आफ्टर नेपोलियन बोनापार्ट कौन आया, ना कंजर्वेटिव है, कैसा है, इन्होंने डिफीट कर दिया किसको, ना नेपोलियन बोनापार्ट इन द बैटल ऑफ वाटरलू, इन 1815 नेपोलियन वॉज डिफीटेड, बाय हुम ना यूरोपियन पावर था, मतलब अलायंस था, एक बड़ा सा अलायंस था, जैसे कि ब्रिटेन हो, प्रुशिया हो, ये देखो प्रुशिया है ना, प्रुशिया प्रेजेंट क्या है पता, प्रुशिया जो है प्रेजेंट जर्मनी है, प्रुशिया जो है वो प्रेजेंट है जर्मनी कहलाता है। ठीक है, ध्यान से देना, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, प्रिंस ऑफ प्रुशिया ये सब कंफ्यूज मत हो जाना, जो प्रुशिया वो प्रेजेंट है जर्मनी है। ठीक है, जो ब्रिटेन है, रशिया और प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया मिलके किनको हराया, ना नेपोलियन बोनापार्ट को हराया इन 1815, समझ में आया, ध्यान देना, ध्यान से सुनना, कब हराया उन्होंने 1815 को, किसने हराया, ना जो यूरोपियन पावर था, ब्रिटेन, रशिया, रूसिया एंड ऑस्ट्रिया मिलके इन्होंने किसको हराया, ना नेपोलियन को हराया। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वेना, अब देखो उन्होंने क्या किया आफ्टर, मतलब जो भी क्या हुआ ना, नेपोलियन हारने के बाद वो उन्होंने एक मीटिंग हेल्ड किया, उन्होंने कांग्रेस हेल्ड किया, किधर, ना वेना पे, जिसको वेना कांग्रेस भी बोला जाता था, समझ में आया, यूरोपियन पावर ब्रिटेन, रशिया मीट एट वेना। ठीक है, जिसको मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ट्रीटी ऑफ वेना क्या है, एक्सप्लेन करो। ठीक है, देखो
ट्रीटी ऑफ वियना हॉस्टेड बाय ड्यूक मेटरनिच, ये नाम याद रखना, हॉस्टेड बाय वन मार्क क्वेश्चन में बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आ सकता है, हॉस्टेड बाय ड्यूक मेटरनिच, समझ में, हॉस्टेड बाय ड्यूक मेटरनिच। देखो क्या क्या हुआ उधर, ठीक है, क्या क्या हुआ देखो। पहला था उन्होंने क्या, उन्होंने कंजर्वेटिव जो आइडियाज था, जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी था, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन था, उसको फिर से वापस लाने का कोशिश किया इस मीटिंग में, ठीक है। जैसे कि बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड, अब बता बर्बन डायनेस्टी याद है कि नहीं सबको, याद है लुई 16 बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ठीक है, वो ट्रेडिशनल, वो कंजर्वेटिव था, तो कंजर्वेटिव और कोई नहीं, जो राजा महाराजा थे उस टाइम के वही कंजर्वेटिव थे, समझ में, और कोई मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल लोग कंजर्वेटिव थे, वो नहीं, जो राजा महाराजा थे वही कंजर्वेटिव, नोबिलिटी जो नोबिलिटी क्लर्जी थे वही कंजर्वेटिव थे, जो कि वो पुराने इंस्टीट्यूशन को बनाए रखना चाहते थे विथ मॉडर्नाइजेशन, समझ में। चलो अब बॉर्बन फैमिली क्या है, बॉर्बन फैमिली तुम लोग याद है, बॉर्बन फैमिली लुई 16 किससे कहां पे बिलोंग करता था ना, बॉर्बन डायनेस्टी, जो कि फ्रांस को रूल करता था, समझ में। तो जो ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ, बॉर्बन डायनेस्टी को वापस लाया गया पावर में, बॉर्बन डायनेस्टी को वापस पावर में लाया गया, ठीक है। फर्स्ट हुआ फ्रांस लॉस्ट इस टेरिटरी विथ विच वॉज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। अब बताओ सर इन्होंने फ्रांस को क्यों सपोर्ट किया, देखो ये डरते थे कि कौन डरता था ना, कंजर्वेटिव डरते थे, ठीक है, कि फ्रांस फिर से उनके हाथ से चला ना जाए, ठीक है, इसलिए उन्होंने फ्रांस को ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया। उन्होंने क्या किया, जो अब नेपोलियन जो वो बहुत ही मतलब क्या बोलते पावरफुल रूलर था, वो बहुत ही अपने साथ बहुत सारे टेरिटरीज को जो था उसने अपने अंडर में ला दिया था, समझ में, जो फ्रांस के कंट्रोल में ला दिया, तो फ्रांस को ये सब छोड़ना पड़ा, फ्रांस लॉस्ट इस टेरिटरी, जितना टेरिटरी उसने जीता था किसने जीता था ना, नेपोलियन ने जितना टेरिटरी जीता था वो फिर से उसने खो दिया, समझ में, फ्रांस ने फिर से उसे खो दिया उन सब टेरिटरीज को, ठीक है। स्टेप्स वे टेकन टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपांशन, ठीक है। अब देखो उनको क्या डर था ना, फिर से कोई ना कोई रूलर आएगा नेपोलियन बोनापार्ट जैसे, जो फिर से फ्रांस को बढ़ाना ट्राई करेगा, फ्रांस पे रूल करके उसको बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाना ट्राई करेगा, या फिर टेरिटरीज को बढ़ाना चाहेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या प्लान किया ना, स्टेट्स वेयर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज। देखो एग्जाम्पल तक समझा रहा हूँ, ये मान लो फ्रांस है, ठीक है, ये मान लो एक कंट्री है प्रुशिया, ठीक है, ये मान लो एक कंट्री है प्रुशिया, तो क्या क्या उन्होंने ना, ये जो गैप है इसके अंदर एक स्टेट फॉर्म कर दिया, इसके अंदर बाउंड्रीज के पास पास एक स्टेट फॉर्म कर दिया, ताकि क्या होगा, उनको एक ब्लाइंड स्पॉट मिलेगा, ठीक है, उनको एक ब्लाइंड स्पॉट मिलेगा। अब अगर जर्मनी को आना, अगर ये प्रुशिया को मारना चाहता था या प्रुशिया को अंडर कंट्रोल में लाना चाहता है, तो उसको पहले किससे पार करना पड़ेगा, एक नॉर्मल जो स्टेट था टेरिटरी उसको पार करना पड़ेगा, तब तक ये जाके उनको रोक सकते थे, रोक पाते, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक बीच में टेरिटरी बना दिया, जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच नेपाल जैसे एक ब्लाइंड स्पॉट है, वैसे यहाँ पे उन्होंने एक टेरिटरी बना दिया, टेरिटरी मतलब सारे चारों तरफ टेरिटरी बना दिया बाउंड्रीज के पास, क्यों बनाया, मतलब फ्यूचर इन्वेंशन को रोकने के लिए, फ्यूचर चीजों को रोकने के लिए, समझ में आया, उन्होंने बनवा दिया, ठीक है। States were set up to prevent French expansion. ठीक है, states were set up to prevent French expansion. समझ में? Territories, अब देखो, territories were given to Prussia, Austria and Russia. ये कौन थे? ये कौन थे? जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, जो पावर था ब्रिटेन पावर या फिर जो यूरोपियन पावर था जिसने हराया था, उनको भी बहुत सारे टेरिटरी मिले, प्रुशिया को वेस्टर्न टेरिटरी कुछ मिला, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली मिला, और रशिया को पोलैंड मिला, ठीक है, रशिया के हाथ में क्या आया ना, पोलैंड आया, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, देखो न्यू कंजर्वेटिव कौन थे, कोई नहीं, जो राजा महाराजा या फिर जो पुराने राजा महाराजा को बोला जाता था न्यू कंजर्वेटिव, ठीक है, जो कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में बिलीव रखते थे, समझ में, जो कि मोनार्ची, चर्च, सोशल हायरार्की, इन सब चीजों को प्रिजर्व करना चाहते थे, उनको क्या बोला जाता था, न्यू कंजर्वेटिव। आईएसएम लग जाता, इज्म लग जाता, तो क्या हो जाता है ना, आइडियोलॉजी बन जाता है वो, समझ में, एक आइडियोलॉजी बन जाता है, समझ में आया अभी इतना। देखो उनके साथ साथ कंजर्वेटिव के साथ साथ मतलब ट्रेडिशनल आइडियाज के साथ साथ ये मॉडर्न आइडियाज को भी प्रिजर्व करके रखना चाहते थे, अपने साथ ही लेना चाहते थे, क्यों,
क्योंकि जो मॉडर्न आइडियाज थे वो ट्रेडिशनल आइडियाज को और भी ज्यादा मजबूत बनाता था। कैसे मजबूत बनाता था? अब देखो, मान लो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, वो टैक्स इंक्रीज किए, सब कुछ इंक्रीज किए थे, लेकिन अगर मॉडर्न जो नेपोलियन बोनापार्ट ने अच्छे काम किए थे, ठीक है, जो स्लेवरी हटाया था, उन सब चीजों को भी लेके चले, तो सब लोग उनपे बिलीव करेंगे, तो सब उनका पूरा टेरिटरी बहुत ही स्ट्रांग बन जाएगा। इसलिए वो चाहते थे मॉडर्न आइडियाज को भी अपने साथ लेके चले, समझ में। उसके बाद आफ्टर 1857 में क्या, 1815 में क्या हुआ, नेपोलियन वॉज डिफीटेड यूरोपियन पावर बाय द यूरोपियन पावर, किससे ना, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, समझ में। इन सब ने मिलके नेपोलियन को हरा दिया, जो हमारा सलमान खान था उस टाइम पर, उसको हरा दिया, समझ में। ट्रीटी ऑफ वेना होस्ट बाय ड्यूक मेटरनिच, किससे, किसने होस्ट किया था, ये कौन था, ऑस्ट्रेलियन चांसलर था, कौन था, ऑस्ट्रेलियन चांसलर, ये भी एक कंजर्वेटिव था, समझ में। चलो ठीक है, क्या क्या ट्रीटी ऑफ वेना में हुआ उसको ध्यान से पढ़ना। बॉर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड, फ्रांस लॉस्ट इस टेरिटरी विच वॉज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, जो जो टेरिटरी नेपोलियन ने छीन लिया था फ्रांस के लिए, उन सबको छोड़ना पड़ा, उन सबको फ्री कर दिया गया, समझ में आया। स्टेप्स वे टेकन टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपांशन, फिर से अगर कोई ना आके फ्रेंच को बढ़ाने का ट्राई ना करे, इसलिए क्या हुआ ना, बाउंड्रीज में स्टेट सेटअप करवा दिया गया ताकि फ्रेंच एक्सपांशन ना हो, समझ में। टेरिटरीज वेर गिवेन टू प्रशिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया, बहुत सारे टेरिटरीज किनको मिला, ना प्रशिया को मिला, ऑस्ट्रिया, रशिया, ये कौन था बेटा, ना जो यूरोपियन पावर था उसके जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज थे, समझ में। अब थोड़ा चीजें बताना चाहूंगा कंजर्वेटिव रेजिम के बारे में, कंजर्वेटिव के मतलब कुछ आइडियोलॉजीज के बारे में, ठीक है, ध्यान से देखो उन्होंने क्या क्या किया। द कंजर्वेटिव रेजिम्स वर ऑटोक्रेटिक, कंजर्वेटिव रेजिम्स वर ऑटोक्रेटिक, कॉमन सेंस है, कंजर्वेटिव है, राजा महाराजा ही होंगे ना, ऑटोक्रेटिक है, समझ में। सेंसरशिप लॉ वेर इम्पोज, उनको डर था, ठीक है, कंजर्वेटिव को बहुत ज्यादा डर था, क्या डर था, ना फिर से कोई आएगा, फिर से मतलब हमारे बारे में बुरा भला लिखेंगे, समझ में। लोग क्या करते थे, बुरा भला लिखते थे, ठीक है, कि कंजर्वेटिव आ गए वापस, फिर से वो सब मतलब ब्रूटेलिटी का रोल चलेगा, वो सब चलेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रिक्टली सेंसरशिप बनवा दिया, मतलब रूल करने लगे सेंसरशिप के द्वारा, कैसे ना, हर चीज में बैन लगाया, हर चीज को रोक दिया उन्होंने, ठीक है, मतलब जैसे कि उनके अगेंस्ट कोई भी कुछ भी नहीं लिखेगा, अगर लिखता है तो उसको पनिशमेंट, एग्जीक्यूट करवा जाता, मार दिया जाता था, समझ में। तो कोई भी उनसे बिना पूछे कोई न्यूज़पेपर में नहीं लिखता था, या फिर कोई स्पीचेस नहीं देता था, समझ में। तो वही बैन करवा दिया गया, मतलब सेंसरशिप, स्ट्रिक्टली सेंसरशिप लागू करवा दिया गया, ताकि लोग जो थे वो पूछ के करना पड़ेगा, समझ में। अब क्या होता, अब जो भी किंग होता था वो देखता था, स्ट्रिक्टली नोटिस करता था सब चीजों को, अगर उसके अच्छा के लिए है, अगर उसको तारीफ, अगर उस जो चीजें हो रही है उसके अगेंस्ट नहीं है, उसके फॉर है, तो वो अलाउ करता था, अगर अगेंस्ट है तो पनिशमेंट देता था या फिर मना करवा देता, समझ में। चलो, बट द मेमोरीज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन कंटिन्यू टू इंस्पायर द न्यू रिवोल्यूशन, लेकिन जो भी फ्रेंच रिवोल्यूशन था, जो भी फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, जो मतलब बहुत सारे स्टेप्स और बहुत सारे ऐसे रिवोल्यूशन हुआ जो लोगों को बहुत ही इंस्पायर किया आगे के रिवोल्यूशन के लिए, बहुत सारे जो इंस्पायर करना शुरू करवा दिया, समझ में। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब पढ़ेंगे हम रिवोल्यूशनरीज के बारे में, समझ में, पढ़ेंगे रिवोल्यूशनरी के बारे में, ध्यान से देखना ना। रिवोल्यूशनरी को ड्यूरिंग 1857, एक तो यहाँ पे कंजर्वेटिव था, पार्लल ही मतलब उसी टाइम पे ही क्या हुआ ना, रिवोल्यूशनरीज भी फॉर्म होने लगे, मतलब उसके जो अगेंस्ट थे, कौन अगेंस्ट थे ना, कंजर्वेटिव अगेंस्ट थे, वहां पे साइड बाय साइड वो भी पैदा होने लगे, समझ में, साइड बाय साइड वो भी कहीं ना कहीं पैदा होने लगे, शुरू मतलब जन्मा रिवोल्यूशनरी, समझ में। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1815 ईयर ऑफ एक्सपेंशन सीक्रेट सोसाइटीज वे फॉर्म्ड कॉल्ड रिवोल्यूशनरी, समझ में। देखो तुम्हारा ईयर ऑफ रेप्रेशन मतलब क्या समझते हो, ईयर ऑफ रेप्रेशन मतलब क्या है ना, जो कंजर्वेटिव थे और उनका जो आइडियाज था, ठीक है, वो चेंज आ रहा था, धीरे धीरे चेंज आ रहा था, उसको बोलते हैं द ईयर ऑफ रेप्रेशन,
उस टाइम पे क्या हुआ, सब लोग डर चुके थे, ठीक है, जितना भी रिवोल्यूशनरी थे सब लोग डर चुके थे। क्यों डर चुके थे? ड्यू टू स्ट्रिक्टली इम्पोज सेंसरशिप, ड्यू टू स्ट्रिक्टली इम्पोज सेंसरशिप, उनको मार दिया जाता था, उनको हटा दिया जाता था, समझ में, उनको एग्जीक्यूट करवा दिया जाता था, इसलिए वो बहुत डर चुके थे, समझ में, ठीक है। तो वो सब लोग क्या हुआ, अंडरग्राउंड हो गए। तो क्या हुआ, वो सब लोग ना अंडर, जो लिबरल नेशनलिज्म था, जो भी लिबरल नेशनलिस्ट थे, वो क्या हुआ ना अंडरग्राउंड होना, छुपना शुरू करवा दिया, ठीक है। छुपने का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए छुप जाए, छुप छुप के वो काम करने लगते थे। जैसे कि अब मान लो हमारा क्या बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस, मान लो उन्होंने सीक्रेटली एक INA फॉर्म करवा दिया, पता भी नहीं चला किसी को, समझ में। तो उसी तरह इन्होंने भी मतलब जो रिवोल्यूशनरी थे, उन्होंने भी सीक्रेट सोसाइटीज बहुत सारे फॉर्म करना शुरू करवा दिया ड्यूरिंग 1815। अब रिवोल्यूशनरी कौन था, रिवोल्यूशनरी कौन थे बता सकते हो? क्या था, वो अगेंस्ट मोनार्ची थे, समझ में, स्प्रेड, वो क्या थे, ओपोज मोनार्ची, मतलब किसके अगेंस्ट थे ना, मोनार्ची के अगेंस्ट थे। कौन थे ना, जो हमारे रिवोल्यूशनरी थे, अगेंस्ट मोनार्ची, ओपोज मोनार्ची, समझ में, ओपोज मोनार्ची, समझ में, अपोज मोनार्ची। सेकेंड क्या था ना बेटा, लिबरल्स, स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म हो या फिर लिबरल हो, वो आइडिया को स्प्रेड करना चाहिए, समझ में, फाउट फॉर लिबर्टी, फाइट फॉर लिबर्टी, समझ में, ठीक है, समझ में। ये सब रिवोल्यूशनरी कौन था, जो मोनार्ची को अपोज कर रहा था, साथ साथ स्प्रेड कर रहा था क्या, नेशनलिज्म और फाइट फॉर लिबर्टी, समझ में, वो नेशन स्टेट बनाना चाहता था। तब क्या था, देखो अब मान लो ये इटाली है, मान लो ये इटाली है, यूनाइटेड स्टेट नहीं था, नेशन स्टेट नहीं था, यहाँ पे कोई रूल करता था, मिडिल में कोई रूल करता था, और साउथ में कोई रूल करवाता था, समझ में, करते थे। तो ये नेशन स्टेट नहीं था, तो यही नेशन स्टेट बनवाने के लिए इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स अपनाए, नेशन स्टेट, समझ में, नेशन स्टेट, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब रिवोल्यूशनरी कौन था, आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरी था, उसका नाम क्या था, गुसिपी मेजिनी, ठीक है, याद नहीं रहता, मैगी बुला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में, गुसिपी मैगी, मजेदार नाम है, याद रह जाएगा, समझ में, गुसिपी मेजिनी, ठीक है, याद रखना, ये नाम बार बार आएगा, ठीक है, गुसिप, बाद में फिर, मतलब ये देखो इंट्रोडक्शन पार्ट एक तरह का, ये पूरा जो मैंने अब तक पढ़ाया, जो तुम्हारे बुक में फर्स्ट और सेकंड यूनिट, सेकंड पार्ट है, वो पूरा आपको बोला गया है, डिफाइन करवा दिया गया, सारे टर्म्स को डिफाइन कर दिया उन्होंने ना, रिवोल्यूशनरी कौन था, कंजर्वेटिव कौन था, लिबरल्स कौन था, लिबरल नेशनलिज्म कौन था, ठीक है, इस सब कुछ उन्होंने रिवाइज करवा दिया, ताकि जो आगे जो मेन पार्ट है, जो कि हमारे यूनिफिकेशन ऑफ इटाली हो, या फिर जो एज ऑफ रिवॉल्यूशन हो, जो भी है, उसमें जब ये टर्म्स आएंगे, तब आप खुद ब खुद माइंड पे लेके आ जाना है कि रिवोल्यूशनरी थे तो वो, उनका आइडिया ऐसा था, तो उनका आइडियोलॉजी वैसा था, समझ में, न्यू कंजर्वेटिव थे तो वो ऐसा आइडियोलॉजी के थे, तो उस टाइम आपको समझना पड़ेगा, समझ में। अब जो थे, अब देखो गुसिपी मेजिनी, ठीक है, गुसिपी मेजिनी कौन था, नहीं वो भी एक रिवोल्यूशनरी था, ठीक है, इटालियन रिवोल्यूशनरी था, कौन था, इटालियन रिवोल्यूशनरी था, इटालियन रिवोल्यूशनरी था, समझ में, बॉर्न इन जेनोवा 1807, ठीक है, कहां जन्म लिया, जेनोवा, समझ में, समझ में, जेनोवा, वो भी सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831, देखो ये इंपॉर्टेंट है, सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग रिवोल्यूशनरी इन लिंगूरिया, उसने क्या किया था ना, लिंगूरिया जो जगह था वहां पे उसने बहुत सारे रिवोल्यूशन शुरू करवा दिया, ठीक है, सीक्रेट सोसाइटी के द्वारा, जब पता लगा तो उसको देश से निकाला, एग्जाइल मतलब क्या होता है, देश से निकाल दिया गया, मतलब बर्खास्त कर दिया गया, ठीक है, भगा दिया गया या फिर तड़ी पार कर दिया गया, समझ में, देश से भगा दिया, कर दिया गया। उसके बाद उसने क्या किया, बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी उसने फॉर्म किया, समझ में, उसने मतलब बाहर जाके उसने बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किया, फॉर्म सीक्रेट सोसाइटी नाम क्या था ना, यंग इटाली मार्सलीज में और यंग यूरोप बेनर में, समझ में, समझ में आ गया, याद ध्यान से देना, फॉर्म सीक्रेट सोसाइटी यंग इटाली मार्सलीज, यंग यूरोप बेनरे, समझ में आया, ध्यान देना, ये दो चीजें है जो उसने, दो सीक्रेट सोसाइटी है जिसने, किसने फॉर्म किया था, गुसिपी मैगी या फिर, समझ में, मेजिनी, समझ में, देखो ही बिलीव्ड दैट
he believed that God had intended nations to be natural units of mankind. ठीक है, वो क्या बोलता था ना, जो भगवान है वो भी चाहता है हम यूनाइट करके रहे, वो भी चाहता है कि हम यूनाइट कर रहे, हम मिलके रहे, मैनकाइंड जो ह्यूमैनिटी बचा के रखे, तो फिर क्यों ना हम उसके लिए लड़े। इसलिए वो ही सोच के उसने इटली को यूनिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स अपनाए, जो कि हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो ड्यूक मैटरनिस्ट था ये कंजर्वेटिव था, याद है, जो ड्यूक मैटरनिस्ट कंजर्वेटिव था, द मोस्ट डेंजरस एनिमी, उसने क्या बोला गॉसिप मशीन को, ही वॉज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। अब भाई उसके अगेंस्ट में है तो वो बोलेगा ही, तो उसने क्या बोला ना, देख जो गॉसिप मशीन था वो मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर मतलब कौन सा ना, कंजर्वेटिव्स, समझ में, जो कंजर्वेटिव्स थे उसके लिए बहुत डेंजरस था कौन ना, गॉसिप मशीन। देखो मैंने पढ़ा दिया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, हम कल पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन जो कि थर्ड पार्ट है तुम्हारा। एक दिन में दो या तीन पार्ट कंप्लीट कर देंगे जितना हो सके एक दिन में, तो आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो वरी करने की कोई बात नहीं, देखो नोट्स लिखो ध्यान से, समझ में, मैं कोशिश भी उसके साथ से भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप में, ठीक है, ताकि आप समझ सको कि उस पैराग्राफ से या फिर उस जगह से कैसा क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिएगा। चलो धन्यवाद।